नमस्कार किसान भाइयों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा। मैं प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के पैगंबरपुर गांव से मैं बोल रहा हूं। आज मैं बनारस के जाने माने फ्लावर डेकोरेटर जो सजावट का काम करते हैं, मैं उनसे जिनका परिचय है एसपी सिंह जी, ये इस गांव के मूल निवासी भी हैं और सजावट के क्षेत्र में ये पूरे ऑल इंडिया चल करके जो भी टेंडर है सजावट का लेते हैं, करते हैं। ये अपने फूल को भी उत्पादन करते हैं और जगह जगह पर इनके कई प्लाट हैं, वहाँ पर करते हैं। और आज मैं इनके छोटे प्लाट पर आया हुआ हूँ और इनसे कुछ वार्ता कर रहा हूँ कि क्या किसान हमारे इससे कैसे लाभ कर सकते हैं। वो अनाज पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं और फूल भी पैदा करते हैं, परंतु लाभ नहीं प्राप्त करते हैं, अच्छा प्राप्त नहीं कर पाते, तो वो लाभ कैसे अच्छा प्राप्त करें। मैं एसपी सिंह जी से ये सवाल कर रहा हूँ कि हमें बताएं कि वो किसान भाई हमारे कैसे लाभ करेंगे, बताइए। किसान भाई जैसे सब्जी खेती कर रहे हैं, अरे सब्जी खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ फूल का भी खेती करें, जोर बोलिएगा। क्योंकि ये जो है बनारस है, बनारस में कम से कम 4000 डेकोरेटर हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए वो अपना आमदनी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं फूलों की खेती। तो फूलों की खेती करने से फ़ायदा है कि उनको बाहरी आमदनी की बाहरी आमदनी उनके पास आ जाएगी, तो उससे उनका जो है सुदृढ़ हो जाएगा, मतलब इनकम। ये किस चीज़ का प्लांट है? ये साइकस है। अच्छा, ये भी आप सजावट में काम लेते हैं? हाँ, साइकस। अच्छा अच्छा, ये आप ग्रीन हाउस में क्या लगाए हुए हैं? एरिका पाम, चाइना पाम। अच्छा, इसका भी आप क्या सजावट में काम लेते हैं? ये सजावट में ग्रीन हाउस ग्रीनरी बनाने के लिए काम आता है। अच्छा, सजावट में ग्रीनरी बनाने काम आता है। अच्छा अच्छा, और ये जो नीचे जो पौधा लगा है उसके साथ हल्दी भी लगा हुआ है। हाँ, तो ये आप अपने खाने के लिए लगाए होंगे? हाँ। अच्छा, आइए आ जाइए, ये कुंद वाला ले लीजिए, कुंद वाला, कुंद वाला ले लिए। ये इधर में क्या है? वो गुलाब है, रजनीगंधा भी है। रजनीगंधा कहाँ है? अच्छा, ये रजनीगंधा है। तो ये रजनीगंधा तो अभी फूल नहीं रहा है, आ रहेगा, हैं? अब आएगा टाइम, अब चालू होने वाला है रजनीगंधा का फूलने का समय? समय वही, मतलब कि सितंबर से लेकर के, अभी एक बार फूला था, सितंबर से लेकर के 12 महीना है। अच्छा अच्छा, 12 महीना। अच्छा, ये इधर आप ये कौन सा गुलाब है आप जो लगाए हैं? ये चाइनीज गुलाब है। ये चाइनीज गुलाब हैं? हाँ। इसकी क्या खासूसियत है? ये है 12 महीना का है। अच्छा, ये क्या 12 महीना फूलता है? हाँ, और उसमें खुशबू होती है, सुगंध भी होता है, इसका इत्र भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, खाने के लिए। ये छोटे छोटे पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, ये किस चीज के हैं? हाइकस। हाई, ये क्या है? ये है बटन ग्रास है। ये क्या है? बटन ग्रास। ये बटन ग्रास का क्या होता है? ये सजावट में काम आता है ग्रीनरी के लिए। अच्छा, सजावट में ग्रीनरी का काम मिलता है। और उधर में इंग्लिश गुलाब भी है। अच्छा, उधर आपने जो लगाया है वो इंग्लिश गुलाब है। हाँ। अच्छा, इंग्लिश गुलाब, उसमें क्या खासूसियत है? वो टिकाऊ होता है। अच्छा, 12 महीना फूलता है। अच्छा, 12 महीना फूलता है। 12 महीना फूलता है तो आपको फूल बराबर मिलता है। ये पूरा, ये क्या आपने इतना बड़ा पूरा बना रखा है? ये किस चीज़ का प्लांट है? ये विक्टोरिया है। ये विक्टोरिया है? हाँ। विक्टोरिया किस काम में आता है? वही सजावट, ग्रीनरी में। अच्छा, ग्रीनरी में सजावट में काम आता है। हाँ। और ये डेसीना है, डेसीना है, रेड डेसीना। ये क्या नाम? रेड ड्रेसिना। रेड ड्रेसिना। हाँ। अच्छा अच्छा, ये भी सजावट पत्ता में काम। अच्छा, आइए आइए, अभी जल्दी आइए। हाँ हाँ, ये आपका कैसा गोदाम है?
पुराना गोदाम, ये सजावट के लिए आपने रेडीमेड सब बना करके रखा है क्या? हाँ जी, रेडीमेड बना कर रखा हुआ है, ताकि बस उठाए ले जा करके लगा दिए और सजावट हो जाएगा। हैं? हाँ, पूरा सेट बना हुआ है। पूरा सेट बना हुआ है, तो इसमें तो काफी पैसा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल लगेगा। तो किसान भाई इतना पैसा कैसे खर्च करेंगे? थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा शुरुआत पहले स्टेप से, पहले सीढ़ी से। हाँ, उनका स्टेज क्या होगा पहला? पहले वो सीखेंगे। हाँ, पहले सीखेंगे सजावट, सीखेंगे। हाँ, फिर आपके साथ काम करेंगे। हाँ, और काम करके फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना आइटम जुटाएंगे। हाँ, और जुटा करके फिर वो अपना खुद भी टेंडर लेकर के अपना काम करेंगे। ये सब पिलर, पिलर आपने रेडीमेड सब बना लिया है? हाँ, ये सब सजावट में काम आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा गोदाम है आपका तो। अरे वाह, ये खम्भे जो बनाए जाते हैं वो है? हैं? पिलर हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा भाई। ये तो माने ये हर काम करने के बाद भी किसान अगर माने फूल के सजावट का काम सीख ले तो उसको अतिरिक्त आय का लाभ मिल सकता है? बिल्कुल लग सकता है। हैं? बिल्कुल अतिरिक्त लाभ। किसान जो घाटे में जा रहा है उसके लिए कुछ उधार होगा? नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा उधार होगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप इसे आप मतलब आप, एक तरीके से ये बिजनेस है और नौकरी से भी ज़्यादा बढ़ करके है। नौकरी से ज़्यादा बढ़ करके है? हाँ। अच्छा अच्छा, ये अपना सेल्फ है। अच्छा, इधर कौन सा ये क्या चीज़ है आपका? गोदाम, ये भी गोदाम है। सब आइटम अलग अलग। अच्छा, सबके आइटम अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको में भी सब रखे हैं। हाँ, सबका आइटम अलग अलग है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और ये क्या आप बनवा रहे हैं? ये स्टेज बनवा रहे हैं। ये नया स्टेज? अब ये नए जब कोई मॉडल बनते हैं मतलब आ जाते हैं आपके सामने तो उसका अपना अलग तरीके से बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। हैं? हाँ। तो आप आइए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। कपड़े और अच्छा, इस जमीन के अंदर क्या है? कपड़े का गोदाम जो सजावट में काम आते हैं। अच्छा, आइए बैठिए, आपसे कुछ और बात करें। तो आप हमारे किसान भाइयों को मतलब ये आप ये सुझाव दे रहे हैं कि वो सभी तरह के काम के अलावा मतलब सजावट की भी का भी काम सीखें? बिल्कुल। हैं, जिसके पास कम जमीन है वो यह इस तरह का कला सीख करके और आजकल। अच्छा, ये सजावट का काम कहाँ कहाँ किस किन क्षेत्रों में काम में आता है? ये सांस्कृतिक प्रोग्राम से विवाह शादी, समारोह, बर्थडे और मतलब हर तरीके से काम आता है। मतलब सब जगह होता है इसका कार्यक्रम। अच्छा, मैंने शादी में, विवाह में, मंडप में। हाँ, हैं? हाँ, जो भी कार्य मतलब शुभ कार्य होते हैं। हाँ, जहाँ भी सजावट का काम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ सब जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। और सब चीज़ आप देख रहे हैं, एक सब रेडीमेड कपड़ा भी आपने लगा गोदाम बना रखा है और सारे मटेरियल आपने इकट्ठा कर रखे हैं। बस यहाँ से ट्रक पर लाद करके और ले आ करके इस पार्ट पर आपको सजावट के लिए। लेकिन एक बताइए कि केवल आप बनारस में ही करते हैं कि और कहाँ कहाँ करते हैं? हम यहाँ भी करते हैं, नेपाल में भी कर लेते हैं। हाँ। और ऑल इंडिया भी करते हैं। अच्छा। हाँ, सब जगह, जहाँ से ऑर्डर मिल जाए सब जगह। तो आपका आपको सब लोग सभी तरफ जानते हैं? बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा, ये जान करके बड़ी खुशी हुई। और किसान भाइयों, आप इनकी बातों से प्रेरणा लीजिए और आप नए क्षेत्र में भी अपने आप को ला करके विकसित कर सकते हैं। और ये काम क्या कैसे मिलता है? ये काम जिसे अपना बनाना पड़ता है, वेबसाइट वगैरह बना लें या अपना बिजली कार्ड बना लें और परिचय करें समाज में ज़्यादा। समाज में ज़्यादातर आप सामाजिक बने और समाज से जुड़ें, आपका काम आगे बढ़ेगा, आपका कहना ये है। और किसान भाइयों, बहुत अच्छा लगा आपसे एसपी सिंह जी, आपका आपसे वार्ता करके कि हमें आप किसान भाइयों को जानकारी आपसे मिली। और मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि आप भी इस क्षेत्र में आ करके क्या आप किसान भाइयों को का ट्रेनिंग देंगे?
बिल्कुल दे सकते हैं, ये देने के लिए तैयार हैं, ये प्रशिक्षण कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, अपने साथ कुछ काम भी कराएंगे और इसके बाद उनको खुद पैरों पर खड़ा करने के लिए तैयार हैं। आप किसान भाई तैयार हो जाओ। अगर आपको आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको अगला वीडियो दे सकें। धन्यवाद।